हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये फिलिप्स का स्ट्रेटनिंग ब्रश के बारे में बताना चाहूँगी कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। ये इतना ही इजी करना है यूज़ इसको जितना कि आप एक ब्रश यूज़ कर रहे हैं। आप प्रेसिंग मशीन भी यूज़ करते हैं, मेरे पास फिलिप्स का हेयर स्ट्रेटनर भी है और मेरे पास ये फिलिप्स का ये ब्रश भी है। मुझे वो भी बहुत पसंद है पर्सनली, और मुझे ये उससे भी ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसको प्रेस करने में मुझे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते और उसमें यूज़ करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, स्टैंड लेकर करना पड़ता है। बट आप इसको ट्राई करेंगे आपको ये बहुत पसंद आने वाला है, और इसके साथ एक आपको केराटिन शाइन जब भी मिलेगा यूज़ करते हुए। जैसे देखिए, मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे बालों में एक शाइन आने लग गई है दूसरी साइड जहाँ मैंने यूज़ नहीं किया। आप वहाँ पर देखेंगे एक ड्राइनेस सी है, शाइनिंग नहीं है। देखो, जैसे जैसे मैं यूज़ करती जा रही हूँ और वैसे वैसे करना है। और हाँ, इसको यूज़ करते हुए अपने कान को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा बचा के रखेंगे, क्योंकि इसके जो ब्रश हैं वो थोड़ा ज़्यादा गर्म होते हैं। मैं कॉम्ब के स्टाइल उससे कर रही हूँ, हेल्प से यूज़ कर रही हूँ। आप भी इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं और मुझे बताइएगा आपको ये कैसा लगा। मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। मैं आपके साथ ऐसी और भी वीडियोज़ लाऊँगी जो आपके रिव्यूज़ करके बता पाऊँ कि आपके लिए क्या बेस्ट है यूज़ करने के लिए। देखिए, मैंने भी यूज़ किया है, मेरे बाल बहुत अच्छे से हैं। इसको दो सेक्शन में करके एक साइड से दूसरी साइड से करिए और फिर आप इसको स्ट्रेटनर कर दीजिए। बालों को एक साथ लेकर कर सकते हैं, बहुत अच्छी शाइनिंग आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, थैंक यू।